बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट लिटरेरी डिवाइसेस एंड पोएटिक डिवाइसेस। तो लिटरेरी डिवाइसेस और पोएटिक डिवाइसेस की ये फोर्थ वीडियो है। इस पर ऑलरेडी तीन वीडियोज़ बनी हैं, उन तीनों वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। सो नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है दैट इज़ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स इज इट इज़ सिमिलर टू एन ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। सो अ पैराडॉक्स कंबाइंस टू कंट्राडिक्टरी आइडियाज़ इन अ वे। ऑक्सीमोरॉन में हम दो वर्ड्स के जो है कंट्रडिक्शन की बात करते हैं, लेकिन पैराडॉक्स में क्या होता है कि हम जो है दो आइडियाज़ जो होते हैं उनकी कंट्रडिक्शन की बात करते हैं। आल तो इलॉजिकल स्टिल सीम्स टू मेक सेंस। ये जो आइडियाज़ होते हैं ये इलॉजिकल होते हैं, लेकिन फिर भी इनका कोई ना कोई सेंस बनता है। सो पैराडॉक्स का सिंपल मतलब ये है, वो बात जो बज़ाहिर तो गलत लेकिन हकीकत में सही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नो ओनली वन थिंग एंड दैट इज़ आई नो नथिंग, लाइक सक्रेट्स इन प्लेटोज एपोलॉजी। इसने ये कहा था। पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन इज व्हेन एन ऑथर एट्रीब्यूट्स ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स मेटाफोरिकली और नॉन ह्यूमन थिंग्स। पर्सनिफिकेशन का मतलब ये है कि जब आप इंसानों के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसको नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जो हैं मेटाफोरिकली जो है मतलब कंपेयर करते हैं या उनको दे देते हैं, जैसे वेदर और इनएविनेट ऑब्जेक्ट्स। पर्सनिफिकेशन इज स्ट्रिक्टली फिगरेटिव, वेयर एज एंथ्रोमोफिज्म पोजिट्स दैट दोज थिंग्स रियली डू एक्ट लाइक ह्यूमंस। जैसे इंसानों के जैसे कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो जो है आप नॉन लिविंग के साथ कंपेयर करते हैं या उनको वो एट्रीब्यूट्स देते हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द हर्ट वॉन्ट्स वट इट मेक्स और एल्स इट डज नॉट केयर, लाइक एमिली डिकिंसन की ये एक कोट है। द हर्ट वॉन्ट्स वट इट वॉन्ट्स। अब दिल क्या चाहता है, दिल मतलब और एल्स इट डज नॉट केयर के इट डजेंट केयर। अब चाहना ना चाहना ये क्या है, ये इंसानों से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हर्ट वर्ड यूज हुआ है। सो हर्ट इट मीन्स इट्स दैट्स नॉन लिविंग थिंग, दैट्स नॉट अ लिविंग थिंग। सो ये जो चाहना वर्ड है मीन्स चाहना ना चाहना, ये हम किसके साथ एट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये करेक्टरिस्टिक हम किसको दे रहे हैं, हर्ट को। इसकी एक और एग्जांपल यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल ये है, लाइक द विंड विसल्ड पास्ट माय ईयर्स लाइक अ फेमिलियर टोन आई हैड लॉन्ग फॉरगॉटन। अब विसल जो है विंड तो नहीं करती, मीन्स ये सीटी बजाना ये तो विंड वगैरह का कोई काम तो नहीं है। सीटी बजाना किसका काम है, ये किसके एट्रीब्यूट है, किसके करेक्टरिस्टिक है, इंसानों की। लेकिन इसको हम किस चीज़ को मतलब ये किस चीज़ के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं या ये करेक्टरिस्टिक हम किसको दे रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग को। नॉन लिविंग थिंग से मुराद क्या है, विंड। द मून यंक्ड अ ब्लैंकेट ऑफ सिल्वर लाइट ओवर द फॉरेस्ट, स्क्वेटिंग इन द कॉर्नर वॉज अ फेल्ट चेयर कवर्ड इन द डस्ट एंड डंप ऑफ एब्डोमेंट। इसी तरह पर्सनिफिकेशन यूजिंग साइट, तो ये इसके और भी टाइप्स हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। पर्सनिफिकेशन यूजिंग साइट लाइक द कार रन आ मार्टन डाउन द हाईवे। अब कार जो है वो दौड़ती तो नहीं है, दौड़ना तो इंसानों की खूबी है, इंसानों की करेक्टरिस्टिक्स में आता है। इसी तरह साउंड की बात करें, द कार कफ्ड हैक्ड एंड स्प्लटर्ड। कफ कांसना, हैक्ड और स्प्लटर्ड, ये किसकी खूबी है, इंसानों की करेक्टरिस्टिक के लिए। कोई कार की तो नहीं, कार तो ऑब्वियसली नॉन लिविंग थिंग है। सो पर्सनिफिकेशन यूजिंग टच, द कार वॉज स्मूथ एज बेबीज बॉटम। अब बॉट मीन्स स्मूथ कौन, मीन्स स्मूथ से मुराद ऑब्वियसली ये इंसानों की के बेबी जो है मतलब स्मूथ होता है। तो कार तो ऑब्वियसली नहीं होता कि कोई कार जो है वो स्मूथ है और आप ये करेक्टरिस्टिक जो है जो इंसानों की करेक्टरिस्टिक है वो किसी नॉन लिविंग चीज़ के साथ जो है कंपेयर कर रहे हैं। टेस्ट की बात करें, द कार टेस्टेड द बिटर एस वेल्ट। इसी तरह यूजिंग स्मेल, द कार नीडेड अ कोल्ड शावर। शावर ऑब्वियसली इंसानों की उसमें आता है, लेकिन ये हम कंपेयर कर रहे हैं या ये करेक्टरिस्टिक जो है दे रहे किसको, कार को। पर्सनिफिकेशन यूजिंग मेंटल इवेंट्स, द कार रिमेंबर्ड इट्स फर्स्ट ऑनर फॉन्डली। तो ये इवेंट्स रिमेंबर करना ये इंसानों की खूबी है, ना कि किसी नॉन लिविंग चीज़ की। फिर उसके बाद हमारे पास है वो है जो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है दैट इज़ पोर्टमैंटियो। पोर्टमैंटियो इज़ अ लिटरेरी डिवाइस ऑफ जॉइनिंग टू वर्ड्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू वर्ड विद अ हाइब्रिड मीनिंग। तो इसमें क्या होता है, हम दो वर्ड्स को मिलाते हैं और उनसे जो है एक हाइब्रिड वर्ड, एक नया वर्ड बनता है। जैसे वर्ड्स लाइक ब्लॉग, तो इसका जो वे प्लस लॉग। वर्ड्स लाइक ब्लॉग से क्या मुराद है,
इट बिकेम लाइक ब्लॉग, मीन्स वे प्लस लॉग से क्या बना, ब्लॉग। इसी तरह पैराट्रॉपर से क्या, जो पैराशूट प्लस ट्रॉपर से क्या बना, पैराट्रॉपर। इसी तरह मोटर प्लस होटल से क्या बना, मोटल। इसी तरह टेलीफोन प्लस मार्थन से क्या बना, टेल्टन। और ऑल फॉर पोर्ट मेंटेनियस इन कॉमन इंग्लिश, तो ये पोर्ट मेंटेनियो है सारे, ये सारे इस तरह वर्ड्स जिनके आप कंबाइन करते हो और एक नया वर्ड क्रिएट होता है। ये ब्लॉग वर्ड हो गया, पैराट्रॉपर हो गया, मोटेल हो गया, टेलीटर्न हो गया, तो ये एक नए वर्ड्स बन जाते हैं। पंस, पंस जो हैं, पंस आर अ टाइप्स ऑफ कॉमेडिक वर्ड प्ले। ये कॉमेडिक वर्ड प्ले होते हैं दैट इन्वॉल्व होमोपोन्स, होमोपोन्स जिसके डिफरेंट वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस द सेम, जो जिसकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है उसको हम होमोपोन्स कहते हैं, और टू सेपरेट मीनिंग्स ऑफ द सेम वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना। तो ये कॉमेडिक वर्ड प्ले हैं जो आप वर्ड्स के साथ, मीन्स आप वर्ड्स को इस तरह यूज कर रहे हैं लाइक यू आर डूइंग कॉमेडी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है वर्ड फ्लाइज लाइक एन एरो, अब वर्ड वगैरह ऑब्वियसली दैट दैट कांट फ्लाई लाइक एन एरो, द सेम फ्रूट कांट फ्लाई लाइक अ बनाना। सो इट्स लाइक पंस, मीन्स यू आर क्रिएटिंग कॉमेडिक, यू आर क्रिएटिंग कॉमेडी, एंड सच काइंड ऑफ वर्ड, सच काइंड ऑफ फ्रेजेस आर कॉल्ड कॉमेडिक वर्ड प्ले। इन लिटरेरी डिवाइस वी यूज द टर्म फॉर इट पंस। पंस हैव अ रिच लिटरेरी हिस्ट्री, और ये इसकी लिटिल बिट और एक्सप्लेनेशन है, लाइक शेक्सपियर ने इसको यूज़ किया, चार्ल्स डिकेंस ने, एंड द बाइबल में इसको यूज़ किया जाता है। फेमस टेक्स्ट लाइक बाइबल्स हैव यूज्ड पंस टू एड डेप्थ एंड ग्रेविटी ऑफ देयर वर्ड्स। जक्स्टापोजिशन, जक्स्टापोजिशन मीन्स रिप्लेसिंग कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स नेक्स्ट टू वन अदर इन ऑर्डर टू एम्फसाइज वन और बोथ, इंक्लूडिंग वर्ड्स, सीन्स और थीम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप अमूमन देखते हैं, और दिस इज़ द ट्री डिवाइस कैन साउंड ओवरली फैंसी बट इट्स क्वाइट सिंपल। इसकी एग्जाम्पल यहाँ पहले हम देखते हैं ताकि आपको ईजिली समझ आए। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फॉलिशनेस, इट वॉज द इपोक ऑफ बिलीफ, इट वॉज द इपोक ऑफ इनक्रेडिलिटी, इट वॉज द सीजन ऑफ लाइट, इट वॉज द सीजन ऑफ डार्कनेस, अ टेल्स ऑफ पॉजिटिव बाई चार्ल्स डिकेंस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने डिफिनेशन में क्या बताया कि कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे सीन्स होते हैं या थीम्स होते हैं जिनको हम कंट्रास्ट, मीन्स एज अ कंट्रास्ट के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। मेनी टाइम्स ऑथर्स विल यूज जक्स्टापोजिशन इन ऑर्डर टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर इमोशनल रिएक्शन फ्रॉम रीडर्स। अब यहाँ पे आप ऑब्वियसली जब आप इस तरह चीज़ों को पढ़ते हैं, इस तरह टेक्स्ट को पढ़ते हैं, इस तरह पैराग्राफ को पढ़ते हैं, तो आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, आप इमोशनली भी आप उस चीज़ को जो है ऑब्वियसली आप पूरा रीड आउट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज द राइटर हैज़ यूज्ड जक्स्टापोजिशन, मींस दैट अट्रैक्ट्स यू टूवर्ड्स टू रीड दैट होल टेक्स्ट। इसी तरह यहाँ पे और जक्स्टापोजिशन कैन आल्सो बी यूज्ड ऑन अ सिमिलर स्केल विथ कंट्रास्टिंग वर्ड्स और फ्रेजेस, जैसे फ्रेजेस और वर्ड्स की मैंने बात की, एम्फसाइज बोथ लाइक इन द फर्स्ट एग्जांपल बिलो, इसी एग्जांपल की बात की गई है, तो पहले बेस्ट वर्ड यूज़ किया गया है, फिर वर्स्ट यूज किया गया, फिर एज ऑफ विजडम, विजडम वर्ड यूज़ किया गया, फिर फॉलिशनेस वर्ड यूज़ किया गया, फिर बिलीव, फिर इनक्रेडुलिटी, इसी तरह सीजन ऑफ लाइट, सीजन ऑफ डार्कनेस, लाइट डार्कनेस। So it means it's creating contradictions between two ideas, words. I hate loving him. Ab hate bhi aur loving, how is it possible? So this such kind of words, such kind of phrases, such kind of sentences are called juxtaposition. You will soon be asked to do great violence in the cause of good. The Yellow Birds by Kevin Powers. Ab pehle wo jo hai violence word use kar raha hai, fir upar se good. So it again it shows juxtaposition. Satire. Satire is a style of writing that uses parody and exaggeration to criticize the faults of society or human nature. Iski best example aap logon ne The Rape of the Lock padhi hogi, Alexander Pope ki, usme jo hai wo society ko jo hai satire kar raha hota hai. To ye kuch aisi jo style hoti hai writing ki, ya ek aisa prose jab likha jata hai to usme इसका यूज़ किया जाता है, और ये एग्जिजरेशन भी हो सकती है, लाइक एंड एग्जिजरेशन टू क्रिटिसाइज द फॉल्ट्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के जो फॉल्ट्स है उसको क्रिटिसाइज करना, उसको बड़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट करना, एग्जिजरेशन का मतलब यही है। लाइक द वर्क्स ऑफ जोनाथन स्विफ्ट, गलिवर्स ट्रेवल्स एंड मार्क ट्वेन, द एडवेंचरर्स ऑफ हकलबेरी फिन आर वेल नोन फॉर बीइंग
सटायरिकल। अ मोर मॉडर्न एग्जाम्पल इज़ अ टी वी शो साउथ पार्क। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जो भी एग्जाम्पल मैंने आपको दी हैं वो ओबियसली आप लोगों ने पढ़ी हैं, तो ये चीज़ें आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने इसको रीड आउट किया होगा। सो दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सटायर, लाइक द रेप ऑफ द लॉक। सोलोलिकी, सोलोलिकी इज़ अ लिटरेरी वॉइस इन द फॉर्म ऑफ अ स्पीच ऑफ मोनोलॉग। मोनोलॉग मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल पर्सन स्पोकन बाय अ सिंगल करेक्टर। एक सिंगल करेक्टर होता है इन अ थियोरेटिकल प्ले और ड्रामा। द पर्पज ऑफ सोलोलिकी इज़ फॉर द करेक्टर टू एक्सप्रेस देयर इनर थाट्स। और इसमें जो जो करेक्टर हैं वो अपने इनर थाट्स को जो है एक्सप्रेस करता है, एंड फीलिंग्स दैट आर नॉट इंटेंडेड टू बी हर्ड और नॉन बाई द अदर करेक्टर्स इन द प्ले और द ऑडियंस। अच्छा, ये कुछ ऐसे फीलिंग्स होते हैं जो ओबियसली इंसान जो करेक्टर है वो एक्सप्रेस करता है अपने इनर थाट्स, लेकिन ये फीलिंग्स, ये जो थाट्स हैं, ये किसी और करेक्टर के सामने एक्सप्रेस नहीं किए जाते, ना तो ऑडियंस के सामने। टू बी हर्ड सॉरी इजेंशली ड्यूरिंग अ सोलोलिकी द एक्शन ऑफ द प्ले स्टॉप्स एज इफ इट वॉज पॉज्ड। तो इसमें जो है मतलब फॉर द ऑडियंस टू बी इनसाइड द स्पीकर्स हर्ड फॉर अ मोमेंट व्हाइल दे आर्टिकुलेट व्हाट दे आर थिंकिंग। दिस इज इफेक्टिव एज अ लिटरेरी डिवाइस इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग इनसाइड इनटू अ करेक्टर्स इमोशंस एंड रिफ्लेक्शंस। तो इसमें कभी कभार ये भी होता है कि जो प्ले है उसको स्टॉप किया जाता है, उसको पॉज दिया जाता है, और जो रीडर है उसको ये एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप ये सोचें कि जो करेक्टर हैं, जो प्ले के अंदर करेक्टर हैं, वो क्या सोच रहा है। अब वो इसके इनर थॉट्स होते हैं, मींस यहाँ पे देखो मेंशन भी किया गया कि इनर थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, लेकिन ये थॉट्स ना तो आपको पता होते हैं, ना जो दूसरे करेक्टर है उस मूवी में या उस ड्रामे में उनको पता होता है। ये सिर्फ उस बंदे का पता होता है जो खुद, मतलब जो आप उसके जो खुद के इनर थॉट्स हैं उसे पता है। तो ये आपको सिर्फ जस्ट एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो क्या सोच रहे हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल है, वन ऑफ द बेस्ट फेमस सोलोलिकीज इन लिटरेचर इज हैमलेट्स प्राइवेट मोनोलॉग बिगिनिंग विद द टू बी और नॉट टू बी। इसी तरह टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन वेदर इट्स नोबल, या ये पूरी एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है इन्हीं लाइंस की कि शेक्सपियर क्या कहना चाह रहा है। हैमलेट सोलोलिकी अलाउज द रीडर व्यूअर टू नो हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स। अब हैमलेट ये करेक्टर है उस नॉवल में, सो उसमें क्या बताया गया है कि जो रीडर है या व्यूअर है वो सोचे कि जो करेक्टर है वो क्या सोच रहा है, मतलब उसके इनर थॉट्स क्या है। सो द बाय इनकॉर्पोरेटिंग द सोलोलिकी इनटू हैमलेट द शेक्सपियर अलाउज हिज ऑडियंस टू अंडरस्टैंड। अब शेक्सपियर भी यही बता रहे कि जो रीडर हैं या जो दूसरे करेक्टर हैं वो ये सोचे कि जो हैमलेट है वो क्या सोच रहा है, मीन्स इट्स अ कन्फ्लिक्ट, इनर कन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्रंट देयर ओन फीलिंग्स अबाउट हिज दिस सिचुएशन या हिज सिचुएशन। सिमिली, सिमिली की जब भी हम बात करते हैं तो हम लाइक और एज का यूज़ करते हैं। आई होप ये वर्ड तो आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, सिमिली और मेटाफर। मेटाफर में हम एज और लाइक का यूज़ नहीं करते, लेकिन सिमिली में हम करते हैं। टू सॉफ्टन द कनेक्टिंग एंड एक्सप्लिसिटली शो इट्स जस्ट अ कंपैरिजन। ये कंपैरिजन के लिए होता है, लाइक टाइम हैज़ नॉट स्टूड स्टिल, इट वॉज वॉश्ड ओवर मी, वॉश्ड मी अवे एज इफ आई एम नॉट, एज इफ आई एम नथिंग मोर देन अ ह्यूमन ऑब्सेंट, लेफ्ट अ केयरलेस चाइल्ड नो नियर द वाटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एज वर्ड यूज़ किया गया है, और ये किसकी है, मार्गरेट एटवुड, द हैंडमेड्स टेल। और इसकी और एग्जांपल ये हैं, जैसे ही इज़ लाइक अ लॉयन। अब लाइक यहाँ पे क्या है, सिमिली है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि ही इज़ लॉयन, तो ये मेटाफर बन जाता है। मीन्स सिमिली और मेटाफर में आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि सिमिली जब भी यूज़ होगी तो उसमें एज और लाइक का यूज़ होगा, और जब भी मेटाफर यूज़ होगा तो उसमें एज और लाइक का यूज़ नहीं होगा। दे आर लाइक वॉरियर्स। अब वॉरियर्स क्या है, सॉरी लाइक क्या है, यहाँ पे सिमिली है, दे आर लाइक वॉरियर्स। अगर मैं कहूँ डायरेक्ट कि दे आर वॉरियर्स, तो ये मेटाफर बन। उसके बाद है आयरनी। आयरनी इज़ व्हेन द राइटर डिस्क्राइब्स समथिंग बाय यूजिंग अपोजिट लैंग्वेज एज अ रियल लाइफ। Example, if someone is having a bad day, that might say that they are doing great, clearly implying that they are actually doing quite ungreatly. Irony की simple जो है definition ये है कि जब आप कोई चीज़ real जो होती है उसको आप indirectly जो है मतलब praise करते हो या बेइज्जती करते हो, जो भी करते हो। अब इसकी example ये है, जब आप suppose क्लास में आते हो, कभी कभार जब आप लेट आते हो तो टीचर आपको क्या कहता है कि आज तो आप बड़े जल्दी आ गए, तो इससे क्या हुआ, ये आयरनी है। मींस वो आपको इनडायरेक्टली बता रहा है,
डायरेक्टली तो आपको नहीं बता रहा कि आप लेट आ गए, मतलब इनडायरेक्टली क्या बता रहा है कि आई मीन्स यू गॉट लेट, सो वो आपको क्या बता रहा है कि आज तो आप जल्दी आ गए। सो आज तो आप जल्दी आ गए, इट इज़ वन काइंड ऑफ आयरनी। इसी तरह अगर आप रूम में बैठे हो या बाहर जब जाते हो और जब मौसम को देखते हो, मौसम बड़ा ठंडा होता है और आप अपने दोस्त से कहते हो कि आज कितनी गर्मी है, तो आज कितनी गर्मी है ये क्या है? आयरनी। मौसम ठंडा है लेकिन आप उसके क्या कर रहे हो, एक अपोजिट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, तो ये क्या है? ये आयरनी होती है। सो इसके बाद लास्ट को डिस्कस करते हैं, फिर अपनी वीडियो को एंड करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस रिलेटेड डिवाइस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिम्बोलिज्म दैट विल बी द लास्ट। क्लोजली रिलेटेड टू मोटिव, सिम्बलिज्म इज़ वेन ऑब्जेक्ट्स, करेक्टर्स, एक्शंस और अदर अकरिंग एलिमेंट्स। सिम्बलिज्म की जब भी बात आती है तो हम कोई ना कोई चीज़ मीन सिम्बलाइज करते हैं, तो ये मुझे आई थिंक रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, या इससे आप लोग ऑलरेडी भी वाकिफ़ हो। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पे, लाइक एग्जाम्पल इन जे आर आर टॉल्किंस लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायलॉजी एंड द हॉबिट, इट सेड द रिंग सेरन सिम्बलाइजेज ईवल। अब जो रिंग है वो किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहे हैं? ईवल को, करप्शन को, ग्रीड को। अब ये सिम्बोलिज्म ओबियसली हर करेक्ट सॉरी हर ड्रामे में या हर ट्रेजिडी में जो है डिफरेंट मीनिंग दे सकते हैं। सो लाइक क्रोज आर यूज टू सिम्बलाइज अ बेड वुमेन लाइक डेथ, बेड वुमेन लाइक डेथ। तो क्रोज जो है ये किस चीज़ की सिम्बलाइजेशन है? ये डेथ की सिम्बलाइजेशन। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक कलर को जो है कंसिडर किया जाता है डेथ के लिए, ये वो। सो इट हैज़ डिफरेंट कंसेप्ट इन एवरी कंट्री, मीन्स इट सिम्बलाइज डिफरेंट। सो द सेम आप हर पोएम में जो पढ़ते हैं या ड्रामे में या ट्रेजडी में, तो वहाँ पे भी जो वर्ड्स होते हैं उनकी सिम्बलाइजेशन भी डिफरेंट होती है। लाइक द कलर पर्पल सिम्बलाइजेज रॉयलिटी। अब ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान में जो है जो पर्पल कलर है वो रॉयलिटी को जो है सिम्बलाइज करता हो, या इंडिया में या बांग्लादेश में, किसी भी मुल्क में। सो इट डजेंट मीन, सो सिम्बलाइजेशन जो है डिफरेंट होती है। रेड कलर कैन सिम्बलाइज अबाउट डेथ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे भी डेथ को रेड कलर रिप्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे क्रॉस जो है लिखे गए। इसी तरह स्ट्रगल, पावर, पैशन, और डेथ जो है मींस डेंजर के लिए भी यूज़ होता है। सो इट आल्सो शोज डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ सिम्बलाइजेशन इन एवरी कंट्री। स्पाइडर्स कैन सिम्बलाइज स्पाइंग, स्नेकी एंड और अनट्रस्ट वर्थीनेस। इसी तरह पीस रिप्रेजेंटेड बाय वाइट डॉग। ये अमूमन वैसे कंट्रीज़ में देखा जाए तो जो वाइट कलर है या जो ब्लैक कलर है, जो वाइट कलर है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है पीस के साथ, और जो ब्लैक कलर है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ईवेल के साथ या डेथ के साथ। लव जो है रिप्रेजेंट कर रहा है रेड रोज़ को। कन्फर्मिटी जो है रिप्रेजेंट कर रही है शीप को। इसी तरह आइडिया रिप्रेजेंटेड बाई लाइट बल्ब स्विचिंग ऑन। जब आप लाइट ऑन करते हो सो इट मीन्स इट्स वन काइंड ऑफ आइडिया, सो दैट कम्स इन सिम्बोलिज्म या सिम्बलाइजेशन। So this was all about today's. I hope this video has been helpful for you. Thanks for watching. See you in the next video. Take care of yourself. अगली वीडियो हमारी इस फिर लिटरेरी डिवाइसेज और पार्टी डिवाइसेज पर लास्ट वीडियो होगी। सो इस पर तकरीबन चार वीडियोज़ बन गई हैं और लास्ट वीडियो जो है